इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में रूल नंबर वन कि जो करंट है वो डी क्यू बाई डी टी, सबको मालूम है, एवरेज करंट डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस करंट डी क्यू बाई डी टी। नेक्स्ट इसमें क्या करना है कि करंट डेंसिटी, तो अगर अपने पुराने पेपर देखे तो बीच बीच में मैं देख रहा था करंट डेंसिटी वर्ड बहुत यूज हो रहा था, तो करंट डेंसिटी हर पेपर में यूज हुआ है तीन साल में अगर मैं देख रहा हूँ। तो करंट डेंसिटी का मतलब क्या है, करंट अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो कितना करंट पास हो रहा है कितने क्रॉस सेक्शनल में से, उसको करंट डेंसिटी बोलते हैं। तो अगर डेल्टा आई करंट पास हो रहा है डेल्टा एस एरिया में से, तो करंट डेंसिटी जे है, इसको एवरेज करंट डेंसिटी बोलते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ डी आई बाई डी एस करता हूँ, इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी बोलते हैं, क्योंकि एरिया भी हर इंस्टेंट पर क्या हो सकता है, चेंज। तो करंट डेंसिटी और करंट का आपस में क्या रिलेशन है, करंट डेंसिटी होती है करंट बाई एरिया, तो करंट क्या होगा, करंट डेंसिटी इंटू एरिया। तो ये फॉर्मूला है करंट का इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, क्या, जे डॉट एस वेक्टर, तो जे डॉट एस, ठीक है, जे वेक्टर करंट डेंसिटी है, डॉट एस वेक्टर का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट इसमें रिलेशन है, ये आना ही आना है, ड्रिफ्ट के ऊपर 101% क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट के ऊपर पक्का क्वेश्चन बनेगा। तो करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट के ऊपर वेलोसिटी और ड्रिफ्ट क्या होता है, आई बाई एन ए, या फिर करंट बाई एरिया को क्या पुट कर सकते हैं, जे, जे बाई एन ई। तो ये आपने याद रखना है, इसका प्रूफ आना ही आना है, इसका प्रूफ पक्का आएगा, तो इसको भी एक बार साथ साथ देखते हैं प्रूफ को। देखो, तो मैंने कुछ ऐसे करवाया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ध्यान आगे प्लीज, कुछ ऐसे करवाया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन है, आपको एक कंडक्टर लेना है, बैटरी लेनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जो वेलोसिटी है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड के लिए nth के लिए, हर की वेलोसिटी डिफरेंट है, एक्सीलेशन क्यू ई बाई एम है सबकी, तो वेलोसिटी डिफरेंट है क्योंकि टाइम जो है कोलिजन का डिफरेंट है, क्योंकि कोलिजन्स होती हैं इसमें, तो एवरेज वेलोसिटी अगर हम निकाल दें v u plus at u plus at u plus at upon n, तो यहां से u वाली टर्म एक तरफ, एक्सीलेशन सेम है तो एक कॉमन आ गया, तो इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर सम क्या लेते हैं इसमें, जीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर सम इसमें जीरो लेंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि रैंडम मोशन के अंदर नेट जो एक इलेक्ट्रॉन है अगर वो मूव करता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसकी जगह ले लेता है, तो नेट उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो मानी जाती है। और ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जब कोलाइड करता है आगे किसी एटम के अंदर या स्ट्रक्चर के साथ, तो वो जो समय है उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो एवरेज, क्योंकि ये भी टाइम सबका डिफरेंट है, किसी की टक्कर पहले हो रही है किसी की बाद में, सबका टाइम डिफरेंट है, तो इन सबका एवरेज को क्या बोलते हैं, टाउ, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और ए का मतलब क्या है, माइनस क्यू ई बाई एम, माइनस इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करता है। तो ये डेरिवेशन आ सकती है, ये डेरिवेशन तब करेंगे जब वो कहेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालो और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम की फॉर्म में निकालो। तो लेकिन वो ज्यादातर क्वेश्चन देता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का क्या रिलेशन है, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी का क्या रिलेशन है, ये बहुत बार आया हुआ है। तो करंट डेंसिटी की फॉर्म में जो चार्ज है, जो करंट है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। देखो, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका कॉन्सेप्ट ऐसा लगाएंगे हम कि मान लो एक मिनट के लिए ये पूरा कंडक्टर है, इस कंडक्टर का जो वॉल्यूम है वो एरिया इंटू लेंथ है, जो कंडक्टर मैंने लिया जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो एरिया इंटू लेंथ है, और एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, ई है, ई है, तो ये क्या आ गया, टोटल चार्ज आ गया, तो ये टोटल चार्ज है पूरे इसके अंदर जो पड़ा हुआ है। तो चार्ज की वैल्यू इज इक्वल टू एन इंटू ए इंटू ई, लेंथ की जगह मैं क्या पुट करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन मान लो टी टाइम के लिए मूव करता है तो डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाता है, एल की जगह वी डी इंटू टी, तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाता है ऐसा। तो यहां से टाइम को नीचे ले आए, करंट है, तो ये फॉर्मूला आपने प्रूव करना है, अगर पेपर में आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन निकालो। लेकिन वो इसकी जगह ये भी पूछ सकता है,
कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी का रिलेशन निकालो, तो आई बाई ए की जगह क्या पुट कर देंगे, जे, करंट बाय एरिया जे। ओम लॉ के ऊपर क्वेश्चन मैंने देखे पीछे, ओम लॉ का प्रूफ आ सकता है। ओम लॉ के प्रूफ में सबसे पहले क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट का पहला फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया था टाउ की फॉर्म में, फिर दूसरा आपने क्या करना है आई बाय एन ए की फॉर्म में, इन दोनों को इक्वेट कर लेना है। इक्वेट करके ई को और एल को, ई को लिख लेना है रादर वी बाय एल, ई को वी बाय एल, ये रहा। तो वी और एल को कॉन्स्टेंट रखते हुए जो टर्म आएगी उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो ओम लॉ का प्रूफ सबने किया होगा, तो यहां से इक्वेट करके ओम लॉ का प्रूफ करना है। ओम लॉ के प्रूफ में एक टर्म आएगी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ये, या रेजिस्टेंस इस फॉर्म में आएगी। तो वो ये पूछेगा जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है, ऐसा क्यों? टेम्परेचर आपने ये फॉर्मूला लिखना है कि रेजिस्टेंस ऑफ द मटीरियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये टाइम घट जाता है, जल्दी जल्दी कोलिजन्स होती हैं, टाइम घटता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, ये आपने लिखना है। दूसरा क्वेश्चन आएगा, अगर आपका इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत छोटी होती है, 10^-5 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है, पर फिर भी करंट तो 1-1 एम्पियर तक हो जाता है, इतना बड़ा करंट कैसे आ जाता है? तो आप लिखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, हर कोई इलेक्ट्रॉन हल्का सा मूव करता है जब, लेकिन लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो करंट कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ जाता है। ऐसे आए हुए दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक। ओम लॉ का प्रूफ ये सब आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें ये हो गया, प्रूफ हो गया, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला मैंने बता दिया, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए बता दिया, फेलियर ऑफ ओम लॉ बता दिया, करंट ये आता है, करंट ओम लॉ को करंट डेंसिटी की फॉर्म में एक्सप्लेन करो, ओम लॉ को करंट डेंसिटी की फॉर्म में एक्सप्लेन करो। तो ओम लॉ करंट डेंसिटी की फॉर्म में ये फॉर्मूला है, जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ओम लॉ ही है। तो ओम लॉ करंट डेंसिटी की फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, क्यों कैसे? ओम लॉ होता है क्या, वी इज इक्वल टू आई आर, आर क्या है वी बाई आई, आर क्या होता है रो एल बाई ए, आई बाई ए क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये टर्म, वी बाई एल क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, और आई बाई ए क्या है जे। तो जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ओम लॉ इन वेक्टर फॉर्म है। तो अगर आपको भी ये पूछ ले कि ओम लॉ करंट डेंसिटी की फॉर्म में लिखो तो आपने ये प्रूव करना है, सही है। रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस मैंने बता दिया कि कोलिजन्स होती हैं। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये टेंथ में भी आते थे, आर रेजिस्टेंस है स्ट्रेच कर दिया तो रेजिस्टेंस की नई वैल्यू बताओ क्या होगी, तो रो एल बाई ए पे न्यूमेरिकल्स हैं, ये याद है ना कैसे करने, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो आपने स्ट्रेच कर दिया इसे, जब आपने इसे स्ट्रेच किया तो नई रेजिस्टेंस क्या होगी वायर की। तो पहला रूल क्या कहता है, इनका वॉल्यूम रिमेन सेम, स्ट्रेचिंग से वॉल्यूम सेम रहता है। तो अगर रेडियस पहले आर है अब आर डैश है, लेंथ एल से एल डैश है, तो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल पाई आर डैश स्क्वायर डैश एल डैश, तो यहाँ से आर डैश की वैल्यू आ गई। पहले रेजिस्टेंस क्या थी, रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, अब रेजिस्टेंस क्या है, रो एल डैश बाई पाई आर डैश स्क्वायर। तो यहाँ से एल डैश आर डैश की वैल्यू को पुट करके आर डैश और आर की रिलेशन से आंसर आएगा। शॉर्टकट याद करवाया था ऑब्जेक्टिव के लिए कि अगर एक वायर को स्ट्रेच कर दिया जाए और उसकी उसकी लेंथ 3 गुना ज्यादा हो जाए या 2 गुना ज्यादा हो जाए, स्ट्रेट वे ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला लगाना है एन स्क्वायर आर, काटा नहीं है स्ट्रेच किया है सिर्फ। तो अगर वायर को डबल स्ट्रेच कर दिया तो एन की जगह 2, 4 × r, 3 गुना स्ट्रेच किया तो 9 × r, ये सीधा शॉर्टकट लगा सकते हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर, ठीक। नेक्स्ट है इसमें, ये तो हट गया कार्बन कोडिंग। नेक्स्ट, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी बता दिया मैंने, टेम्परेचर बढ़ने से जो है कोलिजन का टाइम कम हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है बता दिया। रेजिस्टेंस कैसे बढ़ती है, ये फॉर्मूला है आर ऑफ टी इज आर नॉट 1+α(Δt), वेयर अल्फा इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें, ये प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है, देखो इसका कुछ कर नहीं सकते। कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी नेगेटिव होती है कार्बन और सेमीकंडक्टर की, जबकि कंडक्टर्स के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, ये याद रखना है आपने। इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर पक्का क्वेश्चन आना है। और मैं ये भी देख रहा था इसके अंदर 2 बैटरीज के ऊपर बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, एक बैटरी E1 है जिसके इंटरनल R1 है, एक बैटरी E2 है इंटरनल R2 है, तो 2 बैटरीज इन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन कैसे करना है ये भी हम सीखेंगे। तो
तो पहले इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस आपको मालूम है, बैटरी के अंदर की रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस है, वायर की रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। बैटरी का जब आप परचेज करके लाते हैं तो बैटरी के टर्मिनल्स में पोटेंशियल डिफरेंस मान लो 10 वोल्ट है, जब आपने उसमें से करंट को बाहर नहीं निकाला तो 10 वोल्ट है, उसको ईएमएफ बोलते हैं। तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के टर्मिनल्स के बीच में ईएमएफ कहलाती है। लेकिन जब आप करंट बाहर निकालते हैं तो उन टर्मिनल्स में पोटेंशियल डिफरेंस गिर जाता है, उसको वी बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। वी और ई का रिलेशन क्या है, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। सुना हुआ है ये? तो ये वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर का कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर रेजिस्टर सीरीज एंड पैरेलल के ऊपर थ्योरी तो आएगी नहीं, प्रूफ तो आएगा नहीं, फॉर्मूला पता होना चाहिए रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल का। फिर है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ के अंदर दो लॉज हैं, अगर वायर्स एक जंक्शन पे मिल रही हैं, करंट आ भी रहा है जा भी रहा है जंक्शन पे किसी सर्किट में, तो सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट, जितना करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है और जितना करंट जंक्शन से दूर जा रहा है, उनका सम बराबर होगा। तो जंक्शन की तरफ करंट क्या आ रहा है, I1 प्लस I2, और दूर कितना जा रहा है, I3 और I4। ये रहा। सेकेंड लॉ क्या कहता है, लूप लॉ। लूप लॉ के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, किरचॉफ के बहुत बेसिक क्वेश्चन किरचॉफ लॉ के ऊपर देखे गए हैं। तो मान लो दो बैटरीज हैं और रेजिस्टेंसेज हैं, तो लॉ कैसे लगाना है ये सिखा रहा हूँ। रूल नंबर वन, करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल में से बाहर निकलेगा बैटरी के। तो पॉजिटिव में से बाहर निकला आई करंट आया, दो वायर्स हैं, डिवाइड हो जाएगा, या तो I1 I2 हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा करें, I में से I डैश नीचे आ गया, I माइनस I डैश इधर चला गया, तो इसके अंदर I माइनस I डैश है और यहां से I माइनस I डैश है, क्योंकि बैटरी के अंदर जितना करंट एंटर करेगा बाहर भी उतना ही निकलता है। यहां से I माइनस I डैश है, यहां से I डैश है, ये दोनों मिल गए तो टोटल करंट बचा कितना, I करंट वापस। हमारी डिस्ट्रीब्यूशन सही है कि गलत है, हम ऐसे डिसाइड करते हैं, बैटरी जितना करंट रिलीज करेगी अगर उसको उतना ही करंट वापस मिल जाए तो इसका मतलब हमारी डिस्ट्रीब्यूशन सही है। बात यह है कि किरचॉफ लॉ लगाना कैसे है। लूप ले लो, कोई भी लूप ले लो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे लगाना है वैसे का वैसे कर दो। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर आप यहां से स्टार्ट होके घूम के वापस आएंगे यहां पे। कैसे, अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा, माइनस लगेगा साइन, तो माइनस आई इंटू आर वन। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप होगा माइनस, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं माइनस आई डैश इंटू क्या होगा, आर टू होगा, माइनस आई डैश इंटू आर टू। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं माइनस माइनस आई इंटू आर थ्री होगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, रास्ते में बैटरी आ गई, बैटरी का नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं, नेगेटिव का मतलब लोअर पोटेंशियल, प्लस का मतलब हायर पोटेंशियल, लोअर से हायर पे जा रहे हैं, तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा, इंक्रीज हो रहा है, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस ई वन, लूप कंप्लीट हो गया, इक्वल टू जीरो। तो फिर से एक बार आप इस लूप को पकड़ लें, माइनस आई इंटू आर वन, माइनस आई डैश इंटू आर टू, माइनस आई इंटू आर थ्री, माइनस से प्लस, तो प्लस ई वन इक्वल टू जीरो। चलो आप इस लूप को पकड़ लें, यहां से स्टार्ट हो जाए, करंट के साथ जा रहे हैं तो माइनस आई माइनस आई डैश इंटू आर फोर, माइनस से प्लस पे जा रहे हैं तो प्लस ई टू, करंट के साथ जा रहे हैं तो माइनस आई माइनस आई डैश इंटू आर फाइव, और करंट के ऑपोजिट आ रहे हैं तो प्लस आई डैश इंटू आर टू इक्वल टू जीरो। तो ये दो लूप्स हैं, ये तो लगाना सिखाया कि किरचॉफ लॉ लगता कैसे है, ठीक हो गया यहां तक। नेक्स्ट है बैटरी के ऊपर चलते हैं, न्यूमेरिकल इंटरनल रेजिस्टेंस के, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, आगे उसमें से कर लेंगे, 10 ईयर में से कर लेंगे। नेक्स्ट हमने इसमें करना है, ये सब न्यूमेरिकल हमने किए हुए हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज किया हुआ है। बैटरी सीरीज एंड पैरेलल, बैटरी सीरीज एंड पैरेलल का देखो रिजल्ट प्रूफ करने को तो नहीं आता, पर इसका रिजल्ट आएगा। कैसे, अगर दो बैटरीज हैं प्लस माइनस ये सीरीज में कनेक्टेड है, और आप दो बैटरी की जगह एक बैटरी लगाना चाहते हैं, तो इसकी इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू जो बनेगी वो क्या आती थी, E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1। तो बेसिकली क्या होगा, जब बैटरी सीरीज में है तो जैसे 10 वोल्ट और 5 वोल्ट सीरीज, समझते हो, सीरीज का मतलब है प्लस माइनस, लेकिन अगर ये उल्टी लगा देते हैं माइनस प्लस, तो एक रिवर्स बैटरी ऐड हो जाती है। तो उसमें क्या करना है अभी बताता हूँ। तो जैसे सपोज करो आपके पास ये एक बैटरी है, ये मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है प्लस एंड माइनस, फिर एक और बैटरी है ये 5 वोल्ट की बैटरी है प्लस एंड माइनस,
इन दो की जगह आपको एक बैटरी लगानी है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R1 1 ओम है और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है ऐसे। तो अगर मान लो आप यहां से यहां जा रहे हैं तो इसमें दो बैटरी, जब एक बैटरी लगेगी तो आप सिंपली क्या करेंगे, अगर आप भूल गए कि कैसे काम करना है, आप किरचॉफ लॉ लगा दें। कैसे? प्लस से माइनस पे जा रहे हैं और फिर प्लस से फिर माइनस पे जा रहे हैं, प्लस से माइनस, तो बोलो क्या लगेगा? प्लस से माइनस पे जा रहे हैं तो क्या बनेगा? -10 वोल्ट। प्लस से माइनस आ रहे हैं तो -5 वोल्ट। तो नेट आंसर क्या होगा? मैग्नीट्यूड लेना होता है इसका, मैग्नीट्यूड कितना, 15 वोल्ट की बैटरी लगेगी। लेकिन अगर आपने ये प्लस ये माइनस 10 वोल्ट है और यहां पर उल्टी बैटरी लगा दी, -10 प्लस 5 वोल्ट। अब देखो प्लस से माइनस पे जा रहे हैं तो -10 वोल्ट, माइनस से प्लस पे जा रहे हैं प्लस, तो नेट आंसर 5 वोल्ट की बैटरी लगेगी मैग्नीट्यूड में। तो समझ में आ रहा है यहां तक? तो अगर दो बैटरी सीधी सीरीज में कनेक्टेड है तो ऐड कर दो E1 प्लस E2, लेकिन अगर कोई भी एक उल्टी कनेक्टेड है तो E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, बड़े में छोटा माइनस कर लेना। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों में 1 और 1 2 ओम आएगी, इसके अंदर भी रेजिस्टेंस तो देखो ऐड ही होएगी, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, तो इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 ही मेंशन करनी है, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पैरेलल में आएगा, जिसकी आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीधा रिजल्ट है, अगर दो बैटरीज हैं तो या तो ये फॉर्मूला लगाएं इक्विवेलेंट बैटरी का, E1 R2 E2 R1 R1 प्लस R2, या ये लगा ले एक ही बात है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे यही आंसर आएगा, E1 R1 E2 R2 1 R1 1 R2। और दो बैटरी जब पैरेलल में है और एक बैटरी उल्टी कनेक्टेड है, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये टर्म यहां पर प्लस की जगह क्या हो जाएगी? माइनस। और इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट तो पता ही है, R1 R2 R1 R2 रहेगा इसमें। तो जब क्वेश्चन पुराने पेपर में देखेंगे तो उसमें करके दिखाऊंगा कैसे करना है, बट आइडिया समझ में आ रहा है, फॉर्मूलास क्लियर है कि कैसे इसको करना है। नेक्स्ट है स्टार डेल्टा, तो करना ही नहीं है इसमें, तो कॉम्पिटिशन के लिए था स्टार डेल्टा मेथड, मुश्किल क्वेश्चनों के लिए है ये। हाँ वो तो थ्योरी देख लेते हैं ना इसकी, कंडक्टिविटी इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस हो गया, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस हो गई, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, क्या होता है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, वो बैटरी वाला कनेक्शन उस पर आएगा इसमें। नेक्स्ट जो है किरचॉफ लॉ हो गया, कलर कोडिंग नहीं आएगी, व्हीटस्टोन ब्रिज है सिलेबस में ये अभी है, आ सकता है, ये बड़ी बात नहीं है, देखा नहीं मैंने, वैसे आया कि नहीं आया, पर मेरे को लगता है कि ये बचा क्या है थ्योरी में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या सेल्स या ये, तो इसके अंदर और तो कुछ है नहीं, पोटेंशियोमीटर तो कट गया। तो इसके अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर क्या करते हैं, ये क्या हुआ है सब में हो जाएगा, किरचॉफ लॉ से प्रूफ, PYQ=R/S, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, किरचॉफ लॉ लगाना है और इसका प्रूफ से आंसर आएगा। तो किरचॉफ लॉ मीटर ब्रिज है नहीं है, देखा नहीं मैंने क्वेश्चन मीटर ब्रिज का, वैसे तो बच गया, गया खत्म ही हो गया, रही कुछ नहीं गया। तो एक काम करते हैं फिर, इसके जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसी को नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं प्रीवियस ईयर मार्क करके लाऊंगा, हम उसको डिस्कस करेंगे एक बार नेक्स्ट टाइम, इलेक्ट्रिसिटी की और मैग्नेटिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगली बार मिलते हैं प्रीवियस ईयर के साथ।